चीज़ देखा कि क्लास के अंदर जो बच्चा के अंदर गुण है या ओकर अंदर की पावर है, जेना हिंदी बात करूँ कि तो आप उन्हें देख लीजिए, जैसे छोटे बच्चे वहाँ आप कौन क्लास में है, ये फोर में है, क्लास फोर में, हाँ ये कैसे किताब रीडिंग करेंगे वो आप बताएंगे। ये प्रभुपाद हैं, ठीक है, ये प्रभुपाद कौन है, तो इस्कॉन जो है हम लोग का, इस्कॉन के यही संस्थापक हैं, यही विदेश गए थे, विदेश जाकर के जहाज में जाकर के ये वहाँ के जो हिप्पी लोग थे हिप्पी को हैप्पी बना दिए। अमेरिका में हिप्पी लोग जो थे वो क्या करते थे, नशा करते थे, कहीं भी सो जाते थे, तो प्रभुपाद जाकर के उन लोग को दूसरा नशा दिए, क्या चीज का नशा दिए, तो भक्ति का नशा दिए। और लोग प्रभुपाद से पूछा, भाई आप अमेरिका क्यों आए हैं इतने बूढ़े में, तो इन्होंने कहा आप लोग जब इंडिया गए बहुत सारा सामान चोरी किए, तो कुछ कुछ सामान चोरी करना भूल गए, तो अब मैं वही सामान आप लोगों को यहाँ देने आया हूँ, तो क्या है वो सामान, हरि का नाम, भगवान का भक्ति। तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाके हिप्पी जाति होता है, हिप्पी जाति को हैप्पी बना दिए हरि नाम लेकर के। तो आज भारत में जितने भी अंग्रेज देखते हैं वो लोग सब हिप्पी लोग हैं आम ज्यादातर, और वो लोग सब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। ये प्रभुपाद हैं, और ये हैं चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो कलयुग में जो भक्ति आंदोलन हुआ था चैतन्य महाप्रभु शुरू किए थे, सभी भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, ये लोग मिश्रा परिवार के हैं, ठीक है, और ये मिश्रा परिवार के होते हुए भी ये सभी को बोले कि कृष्ण नाम भजना ही ये सर्वोत्तम है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्मापितस्य देवस्य सेवा। एक ही भगवान है, वो है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता आप लोग पढ़ पाते हैं? पढ़ के दिखाएंगे? चलिए दिखाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सव मामका पांडवासे च किमा कुर्वत संजय 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 उवाचय तातु पांडवानीकं युधं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुखसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्चाता पांडवपुत्राणा आचार्य महतीं चमु युधामोद्वय पुत्रेण तव शिष्य न धीम करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेश यन्त्रम् वतस्य पत्रस्य पुते शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसासराम। किसका मीनिंग बताइए इसका? मार्कंडेय ऋषि जी ने एक वृक्ष में देखा कि भगवान कृष्ण पत्र वृक्ष पर एक पत्ते पर सोए हुए हैं, जो आज नवदीप धाम है। नवदीप धाम जो कि नया दीप है, यहाँ पे हमारे श्री जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जी वास करते थे, और यहाँ पर हमारे कृष्ण जी बहुत सारे लीला किए हैं, और इसी धाम पे श्री कृष्ण जी अपने जेल में जन्म लिए। नहीं, यहाँ नहीं जन्म लिए, वो तो मथुरा में। नरि शरीरि अनमोलि रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पाकर जो प्रभु को विसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। क्या बात, बहुत सुंदर। आप लोग
लोग यही गीता पाठ करते हैं, है ना। बढ़िया सर, राधे राधे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। अपने कर्तव्य को मत भूलिएगा। सर बोले थे कि विद्या ददाति नियम विनियाति पात्रा को। विद्या वही होती है जो दया और धर्म सिखाए हमें, ठीक है ना। तो हरि बोल, हरि बोल।